अनुपमा के इस फैसले से पूरे के पूरे शाह परिवार को पड़ी मौत। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो ये अपडेट लेके आया हूँ, पहले वही गुजारिश वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा देता जो आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पहले तो मैं यही कहूँगा कि कितने बेशर्म लोग हैं यार, मतलब बेशर्म शब्द भी छोटा पड़ जाए इन शाह परिवार वालों के सामने। तो किस तरीके से हमने देखा कि भैया मीनू और वो शादी करके आ जाते हैं, किस तरीके से डॉली शराब देती है और ये सब किस तरीके से जो है अपनी मनमानी पे आए हुए हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। मगर अनुपमा काम एंड कंपोज होके, देखिए कैसे कैसे वीडियो बनानी पड़ रही है। देखिए अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, फिर बाकी की इधर ख़त्म करता हूँ। तो सॉरी, किस तरीके से फिर अनुपमा काम एंड कंपोज रह के जो है क्या करती है अनुपमा, ये फैसला लेती है। इन सबको होता है कि अनुपमा क्या फैसला लेगी। सागर भी डर रहा है शायद से, अनुडी मुझसे जो है नाराज़ हैं, हमें नहीं एक्सेप्ट करेगी, उनको भी उम्मीद है शाह परिवार वालों को। मगर यहाँ पे जो है अनुपमा बकायदा तौर पे उनका गृह प्रवेश कराती है शाह परिवार वालों के सामने आशा भवन में। तो आशा भवन में इनका प्रॉपर तौर पे गृह प्रवेश दोस्तों होता है और उनके जो कलेजे पे सांप लौटते रहते हैं सभी के कलेजे पे। और यहाँ पे अनुज भी बढ़ चढ़ के पूरी तैयारियाँ करता है और पूरी की पूरी तरीके से इनकी शादी का जश्न जो मनाया जाता है उन सब के सामने। तो कैसा लगा ये अपडेट आपको, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।